नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं चल रही हूँ आजमगढ़ और आज आजमगढ़ और ये एक्सप्रेस वे की और सिक्स लेन की तरफ से चलूँगी मैं। यहाँ पर आज आपको मैं सिक्स लेन और आजमगढ़ की ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे संग लास्ट तक बने रहिए। चलिए, ये देखिए मैं सिक्स लेन पास आ गई हूँ बिल्कुल। ये देखिए सिक्स लेन के पास हम आ चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए सिक्स लेन के पास पानी भी भर चुका है बकायदा। ये देखिए गोरखपुर, ये गोरखपुर का जो रास्ता जा रहा है, ये मशीनें जो खड़ी है बनाने के लिए खड़ी। देखिए सारा प्लांट लगा हुआ है पूरा, ये पूरा प्लांट लगा हुआ है सिक्स लेन के बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। ये बारिश की वजह से थोड़ा सा काम रुक गया था, इसीलिए बारिश हो रही थी, काम नहीं चल रहा है हमारे, अभी बंद है प्लांट सब। सारी गाड़ियां खड़ी हैं जितनी सिक्स लेन पे काम करने वाली हैं, आप देख सकते हैं कि सब ऑफिस है, जितने सिक्स लेन पे काम करने वाले लोग हैं ऑफिस। और ये यहाँ देखिए सिक्स लेन बिल्कुल हमारे करीब है और पास में है। ये सिक्स लेन के किनारे किनारे पानी भर चुका है बकायदा। देखिए यहाँ से गोरखपुर जा रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से गोरखपुर महज 100 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए फ्लाईओवर बन रहा है। ये मेरे हस्बैंड है जो गाड़ी चला रहे हैं, अब ये मेरे को शेयर कराएंगे सिक्स लेन की और आजमगढ़ की। चलिए चलते हैं, चलिए चलते। ये निजामपुर है, ये जो गांव नजर आ रहा है वो निजामपुर है। ये मैं इस प्लेन से 20 मिनट में आजमगढ़ पहुंचूंगी आराम से। पहले रहता था कि जैसे कि हम लोग आजमगढ़ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और खड्डे भी रहते थे, खड्डे भी बहुत रहते थे, पर जब से ये सिक्स लेन बन गए हैं हम लोग इस रास्ते से आराम से पहुंच जाते हैं 20 मिनट में आजमगढ़ की तरफ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, एकदम शहर की तरह बन गया है सिक्स लेन। जैसे लगता है कि मैं शहर में आ गई हूँ, मैं दिल्ली में आ गई, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पहले से दिल्ली की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मेरा दिल्ली में घर महका है। और मैं जब सिक्स लेन पर आती हूँ ना, जैसे लगता है मैं अपने घर पहुँच गई हूँ शहर। हर इस तरफ मेरी बुआ का घर है कि जो मैं अभी जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट करना है आजमगढ़ में, अब मुझे लेट हो जाएगा, इस बारे में अभी नहीं जाऊँगी। ये जो इधर साइड को है मेरी बुआ का खेत है, इसे यहाँ पर कोपड़ी चांदपुर बोलते हैं गांव को, इस साइड को।
पानी भरा हुआ है। ये देखिए ये खादा है, खादा रामपुर कहते हैं यहाँ पर। और इसी सोचे इधर इसी साइड पर छोटी बहन का घर है। ये देखिए खादा है, यहाँ मेरी छोटी बहन का घर है इधर। हाँ वो देखिए वो साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं इधर ही साइड को। उसके बगल में मेरा मेरी छोटी वाली बहन का घर है। देखिए वो रहा, पर मैं अफसोस है कि मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे कहीं और जाना है इसीलिए। और इस टाइम बहन भी मेरी यहाँ नहीं है, दिल्ली है, वो भी दिल्ली गई है इस टाइम। दूर दूर तक देखिए आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। कहीं भी कोई घर नहीं दिखाई देगा, एकदम एकदम खेती खेत दिखाई देंगे हर जगह, पूरा खेती खेत है। ये जो धान है इसमें बालियां आ चुकी हैं, ये खूब ठंडी पड़ेगी तब तक ये धान में बालियां खूब भर भर के आ जाएंगी और धानियां पकना शुरू हो जाएगी। बस ठंडी का इंतजार है, कड़ाके वाली ठंडी आएगी और दाल धान पक जाएंगे, धान में जो बाल लगेंगे पक जाएंगे। ये सब जगह ये जितना आप देख रहे हो ये पूरा हरियाली पूरी धान ही धान है इसमें, ये धान की फसल है यहाँ। कैसे एक्सीडेंट हो गया भैया? इससे लड़ गए? इतनी स्पीड में चल रहे थे ये लोग? किससे लड़े हैं? इसी से, डिवाइडर से। हाँ डिवाइडर से। उस वाले डिवाइडर से ना, इसी से। और अच्छा हाँ वो देखो उधर लड़े तो है। अच्छा अगवा वो स्कॉर्पियो आए इनका जोन दो। सलाम इन माता जी को जिन्होंने अपना आंचल फाड़कर इस घायल व्यक्ति की मदद की। अरे बहुत तेज लगे, टूट गया पैर, देखने का फ्रैक्चर हो गया। 108 को कॉल करा है? 108 पे कॉल किए हो कि नहीं? इसको इनको भी तो चोट ही लगी है, इतनी स्पीड में गाड़ी ले जाते हो भैया 6 लेन पे। स्पीड भैया बिल्कुल भी नहीं था, स्पीड सिर्फ 40 में थे। खराब रहा ना ये लिए लगा। कहाँ घर कहाँ है आप लोग? अरावला
ये वो एम्बुलेंस बुला दे लेके चल जाए इन लोगों को। तो भैया तू अपने घर के नहुआ हुआ बता दे तो लगन बालू ना होता है बेचारे फोन लगाए देता है नंबर पर बता था और ये राम पैर टूट गया था ही देख रही हो हां बैरमपुर में फुलवरिया सिक्स लाइन के रोड पूरा ये भैया देखिए दोस्तों मैं अब आजमगढ़ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैंने जो एक्सीडेंट अभी देखा है ना मेरे एकदम से कपकपी छूट रही है अंदर से और मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा कि मैं आजमगढ़ चली जाऊं ब्लॉगिंग करके दिखाऊं आप लोगों को। मैं फिर कभी आ जाऊंगी और आजमगढ़ के आपको ब्लॉगिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी पर अभी तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं ले रही है कि मैं चली जाऊँ इसलिए मुझे माफ़ करना। अगली वीडियो में मैं फिर आपको आजमगढ़ की ब्लॉगिंग करके दिखाऊँगी। अब चलते हैं हम अपने घर की तरफ क्योंकि मेरा मेरे अंदर से क्या मैं बताऊँ मेरे को मेरे से बिल्कुल देखा नहीं गया वो एक्सीडेंट। अगर आपको मैं दिखाऊंगी वीडियो में आप भी देखेंगे उसका लड़के का पैर टूट के अलग हो चुका है और उसके जो पैर क्या कहते हैं हाथ के जो बगल का है उसका टूट गया उसके कंधा है उसका टूट गया है क्योंकि उसको एक लेडीज ने कपड़े से बांधा है पैर टूट गया उसको कपड़े से बांधा गया है और उसके घर वाले उसके फैमिली को फ़ोन किया है फैमिली को फ़ोन करके बुलाया गया है वो लोग आ रहे पर मेरे से नहीं देखा गया। मैंने कहा जितना जल्दी हो यहाँ से निकल चलो अब हम घर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि हम अब नहीं जा सकती मैं आजमगढ़ सॉरी। देखिए जो जो गाय भैंस इधर उधर चलती रहती है देखिए जो गाय हैं एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ देखिए जो गाय जा रही है इस पर भैंस और गाय बकरी इसकी वजह से और ज़्यादा एक्सीडेंट होता रहता है। देखिए ये जो जा रही है कम से कम ये जो छूटे हुए गाय भैंसे हैं ये भैंसे तो मतलब हैं गई जो गाय इधर उधर टहल रही है कम से कम इनको गौशाला में तो रखा जाए कम से कम सुरक्षित रहें ये भी सुरक्षित रहेंगी और भी जो पब्लिक है जो इस पे सिक्स लेन पे चलती है कम से कम वो भी सुरक्षित रहेंगी इनकी वजह से कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा जो आज जैसे हादसा आज हुआ है ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के विनती है इन गायों को उनको गौशाला में पहुँचा दीजिए ताकि इससे एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि गाय रास्ते पे आ जाती है और जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो अपना संतुलन खो देते हैं और जाके ड्राइवर इससे टकरा जाते हैं जो डिवाइडर से जाके टकरा जाते हैं और फिर उनका हाथ पैर सब टूट टट जाता है और वो तो परेशान होते ही होते हैं उनकी फैमिली जो भी परेशान होती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़ इनको गौशाला में पहुँचाइए और इनके सिक्स लेन के किनारे बिल्कुल गाय भैंस ना चराए कह दीजिए प्लीज़। अगर आप लोग यहीं आसपास के लोग हो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है निम्रता है कि आप गाय भैंस इस डिवाइडर के किनारे ना चरा के नीचे चराइए अपनी गाय भैंसों को ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए।